आज हम लोग देखेंगे हाउ टू जनरेट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे ओपन ऑफिस में जनरेट करते हैं। ओके, रिपोर्ट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल। ये विजिबल है, दिस स्क्रीन इज यस मैम। ओके। रिपोर्ट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन क्लियर फॉर्मेट। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ रिपोर्ट इन डेटाबेस। जो भी डेटाबेस है हम उसकी रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। ठीक है, सो वन बाय वन इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमने ओपन ऑफिस ओपन किया। ओपन ऑफिस डेटाबेस, एग्जिस्टिंग डेटाबेस, प्रोडक्ट डेटाबेस भी वर्क करते हैं। ओके फाइन, सो वन बाय वन स्टेप देखेंगे इसके। इसके स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फर्स्ट क्रिएट अ रिपोर्ट, यूज विजार्ड टू क्रिएट अ रिपोर्ट। क्लिक किया, फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म पे, रिपोर्ट क्रिएट करना है रिपोर्ट पे। ये सारी फील्ड्स हम लोगों ने सेलेक्ट करी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्लिक द यूज विजार्ड टू क्रिएट अ रिपोर्ट। ऑप्शन अवेलेबल अंडर टास्क बार, यूज विजार्ड टू क्रिएट अ रिपोर्ट। इस पर हमने क्लिक किया, एक विंडो ओपन हुई जिसमें सारे क्या है फील्ड्स के नेम है, उसको हमने ऐड कर दिया। सेलेक्ट दिस बटन, वंस यू क्लिक यू आर सारी फील्ड्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट। ओके, देखते हैं फिर क्या मांगता है नेक्स्ट। फिर ये बोल रहा है हमको लेबलिंग फील्ड। ठीक है, ओके, यू कैन रीडिफाइन द, यदि आपको कोई फील्ड का नेम री लेबल करना है, कुछ उस पर लेबलिंग करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आईडी का नाम आपको सपोज प्रोडक्ट आईडी देना है तो आप उसको लेबल कर सकते हो। देन नहीं करना है तो ओके, देन नेक्स्ट। ग्रुपिंग, कुछ ग्रुप करना हो तो उस पर कर सकते हैं। सॉर्ट ऑप्शंस दिया हो, असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है। चूज लेआउट, लेआउट जो भी आपको डिफॉल्ट मैंने सेलेक्ट किया। क्रिएट रिपोर्ट, फिनिश। ये क्या होगी, प्रोडक्ट आईडी दिस एंड दिस, ऑथर सिमरन कौर, इतनी तारीख को मैंने ये रिपोर्ट क्रिएट करी जिसमें प्रोडक्ट आईडी है और क्या है प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, समझ में आया सबको? एनी डाउट फिर से बताऊं? ओके ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड। हम नया डेटाबेस लेंगे, नया डेटाबेस इन द सेंस जो हमारा प्रोडक्ट ना लेके दूसरा डेटाबेस पे करके देखेंगे। ओपन ऑफिस, ओपन ड्राइव, डेटाबेस, ओपनिंग एग्जिस्टिंग डेटाबेस। मेरे पास एम्प्लॉय का डेटाबेस है तो मैं एम्प्लॉय का कर देते हैं, फिनिश। ओके, वेरी इजी। टेबल बनाना है तो टेबल पे क्लिक, क्वेरीज करनी है क्वेरीज पे, फॉर्म जनरेट करना है फॉर्म पे, और रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट पे। हम लोग क्या करें, रिपोर्ट करें रिपोर्ट। यूज विजार्ड टू क्रिएट अ रिपोर्ट, क्लिक किया, ओके। टेबल क्या था मेरा, टेबल नेम ईएमपी था। मैंने इसमें आईडी, नेम और फोन सब ले लिया। मुझे जो कुछ सिलेक्टिव फील्ड्स चाहिए होंगे तो मैं सिलेक्टिव फील्ड्स ले सकते हैं, ऐसे एक एक को क्लिक कर करके। यदि मुझे सब चाहिए तो मैंने सब ले लिया। लेबलिंग फील्ड, यदि मैंने आईडी का कुछ लेबल देना है, नेम देना है, तो मैं वहाँ पर दे सकती हूँ। ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुपिंग, इनका किसी दो फील्ड को ग्रुप करके एक बनाना है तो हम कर सकते हैं। सॉर्टिंग ऑप्शन की, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, आईडी जो है मेरा असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है उसमें हम दे सकते हैं इसको। ठीक है, चूज लेआउट, लेआउट हम लोग डिफरेंट लेआउट से इसको चूज कर सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स, अच्छा चलो सिंपल से देख लेते हैं। ठीक है, ओके, क्रिएट रिपोर्ट, ईएमपी नाम की हमारी रिपोर्ट।
देन फिनिश। आईडी नेम इस तरीके से मेरे ये क्या हो गए, फोन नंबर, क्रिएट रिपोर्ट क्रिएट हो गई। रिपोर्ट में से सिंपल सा जो डेटाबेस है उसको हमने एक पेज में, एक हमने उसको फॉर्म कर दिया। समझ में आया सबको ये चीज़? एनी डाउट? रिपोर्ट जनरेट करना आया किसी को? फॉर्म में डाउट है? फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं? इस तरीके से रिपोर्ट हमारा क्रिएट हो गया। फिनिश, खत्म। ठीक है, इसमें तो खत्म हो गया। फॉर्म में किसी को डाउट भाई बोलो? नो मैम, नहीं डाउट है? ठीक है, और किसी को फॉर्म में डाउट? नहीं है डाउट? फॉर्म जनरेट करने में डाउट नहीं? रिपोर्ट में? रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं? नो डाउट। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं इसमें। कौन से पेज में आए हम? इसका बस लास्ट एक टॉपिक रहेगा हमारा, क्वेरीज वाला। ठीक है, बाकी हमारा इसमें पूरा डेटाबेस का कंप्लीट हो चुका है। टेबल क्रिएट कर सक कर लिया हमने, बिल्डिंग्स और फॉर्म्स, फॉर्म्स क्रिएट कर लिया। ये रह गया क्रिएट एंड मैनेजर क्वेरीज, डिज़ाइन रिपोर्ट्स क्रिएट कर लिए, क्रिएट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डेटाबेस बना चुके हैं, मैनिपुलेटिंग डेटा। ठीक है, अब ये है क्रिएट एंड मैनेजर क्वेरीज। क्वेरीज को देखते हैं, इसमें किसी को आई होप डाउट नहीं। डेटाबेस सर्वर सबको पता है क्या होता है, RDBMS, डेटाबेस कंसेप्ट, आइटम, फील्ड्स, रिकॉर्ड, वैल्यूज, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले। अगर किसी को डाउट है तो वो अभी इसमें पूछ सकता है। रिलेवेंट नॉलेज टेबल्स। अच्छा, ये PDF सबको मिल गया था? यस मैम, सौरभ PDF मिल गया था? यस मैम, ओके। कार्तिकेय, यस मैम, शिवम, यस मैम, ओके। ठीक है, कीज में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? प्राइमरी कीज क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है? किसी को डाउट? व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की? किसी को डाउट है प्राइमरी की फॉरेन की में? नो मैम। ओके, वेदिका, प्राइमरी की क्या होती है? वेदिका, वेदिका, अच्छा मैं ना 3 बार नाम लूंगी, यदि रिस्पांस नहीं आया ना तो मीटिंग से मैं लेफ्ट करवा दूंगी, मतलब रिमूव कर दूंगी। हाँ यस वेदिका, मैम, प्राइमरी की क्या होती है? अच्छा मैं पूछ रही हूँ, डाउट है कि नहीं है, तुम लोग बता नहीं रहे हो। सौरभ, प्राइमरी की क्या होती है? हम प्राइमरी की मतलब हम अगर कोई भी टेबल बना रहे हैं तो उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड होगी, जैसे हमने एक टेबल बनाई स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की, तो उसका स्कॉलर नंबर आएगा, नेम आएगा, क्लास आएगा। तो जैसे हमने उसका स्कॉलर नंबर उसकी प्राइमरी की सेट करी, तो वो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उस टेबल में। अच्छा, मैं स्कॉलर नंबर की जगह उसका नेम भी तो कर सकती हूँ मैम कि नहीं अगर आप कर? नेम करोगी तो मतलब वो भी प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन हमें ज़्यादातर प्राइमरी की ऐसी सेट करनी चाहिए जो सबकी अलग अलग हो। हाँ, यूनिक हो। ठीक है, अच्छा और क्या प्रॉपर्टीज होती है प्राइमरी की? साक्षी धाकर बताओ, और क्या कर सकते हैं प्राइमरी की में? साक्षी धाकड़, साक्षी धाकड़,
रिमूव। ओके और क्या क्या कर सकते हैं सची प्राइमरी की में? मैम यही सब तो कर सकते थे। हाँ और एक आध और भी करते हैं ना कि प्राइमरी की में क्या नहीं होना चाहिए। मैम उसे खाली नहीं छोड़ सकते, प्राइमरी की रखना जरूरी है। वेरी गुड। प्राइमरी की में हम कभी भी रोल नंबर है तो किसी भी ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका रोल नंबर नहीं हो या स्कॉलर नंबर नहीं हो, ठीक है? उसकी कोई ना कोई वैल्यू रहती है। ओके फाइन। अच्छा फॉरेन की क्या होता है अंजन? अंजन शर्मा फॉरेन की। तीन बार नाम लूंगी, जिससे नाम मैंने नहीं लिया ना उसको रिमूव कर दूंगी मैं। अंजन नहीं है। हाँ अभी आ रही हूँ मैं। तान्या रिमूव फ्रॉम कॉल। ओके हाँ तान्या। मैम फॉरेन की इज अ कॉलम और कॉलम्स ऑफ डेटा इन वन टेबल दैट कनेक्ट्स टू द प्राइमरी की डेटा इन द ओरिजिनल टेबल। ठीक है सपोज मैंने टेबल 1 में एम्प्लॉय आईडी मैंने प्राइमरी की बनाई और टेबल 2 में फॉरेन की क्या होगी? समझ में आया मैंने क्या बोला तान्या मेरे? रिपीट। हाँ जैसे सपोज टेबल 1 है, ठीक है, उसमें प्राइमरी की है मेरी एम्प्लॉय आईडी, ओके नेम और क्लास, फाइन, ये 3 फील्ड्स हैं। और टेबल 2 है जिसमें मेरी एक हो जाएगा सपोज फोन नंबर और एड्रेस, उसमें फॉरेन की क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन समझ में आया तान्या? नो मैम नहीं आया। एक मिनट। सपोज ये स्क्रीन विजिबल है, मेरे पास एक शेप से देखते हैं, शेप से चलो टेबल ही लेते हैं। मैंने एक टेबल लिया 3 कॉलम्स का, 2 रोज का ही लेते हैं, ठीक है। एक टेबल है जिसमें मेरी एम्प्लॉय आईडी एक प्राइमरी की है सपोज, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय फोन नंबर। ओके ये क्या हो गया मेरा टेबल 1 हो गया। क्या हो गया टेबल टेबल वन वन? ओके अब मैं टेबल भाई 2 आ जा। इसी को कॉपी कर देते हैं। कॉपी सपोज ये टेबल 1 है, शेप्स मिल दीजिए। सपोज ये मेरा टेबल 1 है, ठीक है,
देन नेक्स्ट क्या है, मेरे मेरे पास एक टेबल वन है, दूसरे में क्या है, टेबल टू है, नहीं आ रहा, टाइम लग रहा है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे ये चीज़। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है सबको? कनेक्ट, इसमें ओके। सपोज ये टेबल वन है मेरा, जिसमें क्या है, मेरा एक क्या है, तुमने आंसर सही दिया था, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, ध्यान से समझोगे। सपोज ये टेबल वन है, इसका मेरा प्राइमरी की क्या है, कोर्स आईडी। कोर्स आईडी क्या है मेरा, प्राइमरी की है। यही टेबल टू है, उसमें भी मैंने क्या लिख दिया, कोर्स आईडी। फील्ड नेम बिल्कुल सेम होगा जो टेबल वन का रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, जो जो भी डेटा टेबल वन में रहेगा वही सेम डेटा किस में रहेगा, टेबल टू में रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों टेबल्स में आपस में मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक टेबल का प्राइमरी की बनाते हैं, सेम उसी एक फील्ड उसमें दूसरे टेबल में डिस्क्राइब करते हैं, और उसको क्या करते हैं, फॉरेन की बनाते हैं। ठीक है, मीन्स एक टेबल की प्राइमरी की वही दूसरे टेबल्स की क्या रहेगी, हमारी फॉरेन की रहेगी, सेम डेटा रहेगा। देखो, जैसे इसमें S042 लिखा है, इसमें भी S042 लिखा है, इसमें 40A004 लिखा है, C002, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फॉरेन की क्या हो सकती है, दो हो सकती है, बट प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती है। समझ में आया? तीन प्रॉपर्टीज हैं प्राइमरी की। फर्स्ट, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती, मतलब नॉट नल होती है, नॉट नल इन द सेंस कि कभी हम वैल्यू उसकी खाली नहीं छोड़ते। सेकेंड क्या होता है कि वो यूनिक होनी चाहिए, हर एक की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए और रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे C002 है तो किसी और का C002 नहीं हो सकता, जैसे रोल नंबर, रोल नंबर हमेशा एक बच्चे का रहता है, उस तरीके से। समझ में आया सबको, प्राइमरी की फॉरेन की का? मैम एक डाउट था हाँ बेटा, बोलो बेटा। मैम, जैसे दोनों टेबल में हम जो एक कॉलम है उसका डेटा सेम लेते हैं, तो हम क्या फर्स्ट वाले में जो रहते हैं उसको फॉरेन की नहीं मान सकते? यस जैसे फर्स्ट वाला मतलब स्टूडेंट आईटी, इसको? मैम, जैसे इसका ये जो हाँ डेटा है सेकेंड डेटा तो सेम हो गया। हाँ देखो, अब सपोज टेबल मैंने इसको वन मान लिया और इसको टेबल टू मान लिया, ठीक है। अब इसका स्टूडेंट आईडी को मैंने क्या कर लिया, प्राइमरी की मान लिया, और यदि मुझे इस टेबल से इसको लिंक करना है तो मैं इसमें स्टूडेंट आईडी को क्या कर लूंगी, फॉरेन की मान लेंगे। ठीक है मैम ना? अच्छा, ये इसके कुछ प्रॉपर्टी है। अब ये क्या हो गया, ये देखो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लो। कंसिस्टिव ऑफ वन और मोर कॉलम, यस, मतलब प्राइमरी की एक और एक से ज्यादा हो सकती है, और फॉरेन की यदि हमें थर्ड टेबल को भी बनाना है तो इसका थर्ड टेबल हमारा हो जाएगा। सपोज तीन टेबल्स को आपस में जोड़ना है तो एक का प्राइमरी की, दूसरे का फॉरेन की, और तीसरे का भी फॉरेन की हो जाएगा। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड? नो, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होता। फॉरेन की में हम लोग कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे C002 हम किसी दो को भी दे सकते हैं। नल्स अलाउड? नो, इसमें नल अलाउड रहता है। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफायर और इन अ टेबल, यस, कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। नंबर ऑफ अलाउड पर टेबल्स, वन और जीरो और मोर, कितने भी हो सकते हैं। ये प्राइमरी की हम, यदि एक प्राइमरी की हम उसकी एक फॉरेन की बना सकते हैं, फॉरेन की से फिर एक और फॉरेन की हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्राइमरी की फॉरेन की वाला। किसी को डाउट? रंजन, मैंने मीटिंग से लेफ्ट कर दिया था बेटा? अंजन, जिसके माइक में प्रॉब्लम है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, कनेक्शन प्रॉब्लम है, ये मोबाइल रख के चले जाते हैं हम। ओके अनमोल, फॉरेन की और प्राइमरी की समझ में आया क्या होता यस मैम। है? ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या था? ठीक
डेटा टाइप सबको समझ। अच्छा है, ये देख रहे थे ना अपन फॉरेन की और प्राइमरी की, बस ये दो इम्पोर्टेंट कीज थी जो हमेशा आ जाती है, बच्चों से पूछ लेते हैं क्या होता है। क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट भी, डेटाबेस ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन दिस एक्सरसाइज, ओपन ऑफिस में आप लोग क्रिएट करना, तो ये सबको आता है ये डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। जब स्कूल ओपन होंगे, नहीं होता है तो अपन एक बार प्रैक्टिकल उसमें करके देख लेंगे, स्कूल में न्यू डेटाबेस कर क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करना है, ये कर सकते हैं। ठीक है, टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट की भी सबको आता ही है। अच्छा एक बार डेटा टाइप पढ़ लेते हैं, जैसे सपोज नेम लिखा है मैंने, नेम क्या लिखते हैं, वेर क्या लिखते हैं, इसकी लेंथ हमने 50 डिफाइन कर दी, मतलब जो भी नेम होगा वो क्या रहेगा, 50 लेंथ तक का ही हम लोग इसमें नेम लिख सकते हैं। ओके अल्फाबेट्स कितने होंगे, 50। रोल नंबर टाइनी इंट, मतलब इंट से भी छोटा एक जो कम स्टोरेज लेता है उसको हम टाइनी इंट बोलते हैं, तो 3 लेंथ तक हम रोल नंबर लिख सकते हैं, सो 101 3 नंबर्स तक ही। डेट क्या रहेगा, DDMA किस फॉर्मेट में लिखना है डेट वो लिख सकते हैं। कैर क्या, क्लास क्या मेरी कैर रहेगी, ठीक है। कैरेक्टर 1 जैसे 1 या रोमन नंबर में लिखना, उस तरीके से लिख सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे 2 भी कर सकते हो, जैसे 11th लिखना है तो 1 और एक्स और आई ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोन नंबर इंटीजर 10 डिजिट्स का रहेगा। ईमेल वेर कर रहेगा, वेर कर मीन्स जिसमें हमारा नेम भी आ जाए और अल्फाबेट्स सॉरी डिजिट्स भी हो और अल्फाबेट्स भी हो। ईमेल जैसे एट द रेट जो भी आपका रहता है, उसमें स्पेशल सिंबल्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट इज कलर, हम उसको वेर कर दे देते हैं 15, 15 तक का अल्फा, लोकेशंस को भी हम 30 इतना दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा एक डेटा टाइप है जिसे इसने एक सिंपल डेटा टाइप बनाया है, इसका बनाया है भाई। ओके ठीक है, टेबल बनाया है इसने, नेम भी डिस्क्राइब किया, सेव इस तरीके से हम लोग फील्ड और इसका एस डिटेल्स करके हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। ये हम टेबल बनाना सीख ही चुके हैं, तो देन हम लोग उसका नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, कलर, लोकेशंस, ये हमने बनाया। ठीक है, किसी को डाउट इस चैप्टर में, इसमें सिर्फ हमारा क्वेरी फॉर्म्स बचा है, क्वेरी भी देख लेते हैं, फॉर्म क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। किसी को डाउट कि टेबल कैसे क्रिएट होता है, फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, एनी डाउट? बेटा देखना पड़ेगा एक बार आईटी में, आईटी में कितना सिलेबस रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ओके सो इसमें क्वेरीज हैं, क्वेरीज देख लेते हैं, क्वेरीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर्स में आ जाती हैं। सीधे सीधे एक टेबल दे देते हैं आपको और उसमें कहते हैं कि क्वेरीज लिखो। ठीक है, तो ये इसको देख लो, ये बेटा अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कितना रिडक्शन हुआ है इसमें, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ओके क्वेरीज के रहते हैं, देख लेते हैं इसको। हैविंग क्रिएटेड द टेबल एंट्रिंग डेटा इन टू देम, नाउ यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट सम इन्फॉर्मेशन दैट यू दैट्स वेन यू वॉन्ट सॉरी वेन यू क्वेरी द डेटा एज पर सजेस्ट क्वेरीज अ कलेक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा। जितना भी डेटा हमारे डेटा बेस में सेव है उसमें हमारे क्वेरीज क्या करते हैं, डेटा को हमको स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने बोला रोल नंबर 101 में जिसका भी नेम, क्लास, सब्जेक्ट, फोन नंबर, उसका डेटा लेकर आऊँ, तो मुझे क्या यूज़ करूँगी मैं, क्वेरी, क्वेरी की विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके ललित समझ में आ रहा है, ललित यस हाँ मैम, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। ओके क्वेरीज के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेरी हेल्प अस जॉइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टाइप एंड फिल्टर दैट इन्फॉर्मेशन। फिल्टरिंग मीन्स दैट द क्वेरीज यूजेस अ क्राइटेरिया यू प्रोवाइडेड टू हाइड सम डेटा, ओके फिल्टर करके हमें मतलब डेटा प्रोवाइड करते हैं। इसको SQLs भी कहते हैं और SQL भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हम लोग दे पढ़ चुके थे, जिसमें बहुत सारी कमांड्स आती है, DDL, DML। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट किस में आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को करके भी बताया था। सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हैज मेनी ऑप्शनल क्लॉजेस, दो क्लॉजेस होते हैं, वेयर्स और ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय तुम लोगों को इतना नहीं रहेगा, वेयर्स वाला देख लो। जैसे टू रिट्राइव ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल, यदि मुझे सारा डेटा चाहिए, कॉलम पूरा टेबल का, मैं पूरा डेटा चाहिए, तो मैं कौन सी कमांड्स यूज करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम टेबल का नेम, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है, मेरा एक टेबल है, उसमें से मैं सारा डेटा
एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास पूरा का पूरा जितना भी डेटा होगा ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम एस डिटेल्स, फाइन। अब सपोज मुझे क्या चाहिए, अब मुझे सपोज कॉलम सब चाहिए कि मेरे पास नेम, आईडी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास सबका है, बट कुछ पर्टिकुलर रोज आए, पूरी रोज नहीं आए, ठीक है। मतलब जैसे सपोज मैंने बोला कि मुझे इसने लिखा राधा विकास, मुझे इन दोनों का किसी का कुछ चाहिए, मतलब डेटा चाहिए, बाकी सबका नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर रोज है, मतलब 10 में से मेरी 2 या 3 रोज सेलेक्ट हो, बाकी की रोज सेलेक्ट नहीं हो। ओके अंजन, समझ में आ रहा है अंजन? ओके फाइन। तो जैसे 10 रोज हैं, 10 रोज में से मुझे सपोज 2 रोज सेलेक्ट करनी है, तो मैं कुछ कंडीशंस दे सकते हैं। तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम एस डिटेल्स, एस डिटेल्स मीन्स टेबल नेम, वेयर कुछ भी कलर दे दो या आईडी दे दो जो भी है, वेयर कलर इक्वल्स टू ब्लू, जिनके भी ब्लू कलर्स वाले हैं वो सारा डेटा सेलेक्ट हो जाए। तो जिन जिनके ब्लू कलर्स होंगे वो सारा डेटा इसके हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एनी डाउट किसी को? अच्छा, ऑर्डर बाय क्लॉज में क्या कर दिया इन्होंने, चलो देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम एस डिटेल्स, एस डिटेल्स मतलब टेबल नेम, ऑर्डर्ड बाय, ऑर्डर्ड बाय किस लिए यूज़ होता है कि कोई भी डेटा हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो हम एक क्लॉज यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय, ठीक है। याद रखना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी मैं ऑर्डर बाय क्लास क्लॉज क्या होता है, वो क्लॉज जो भी हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे अपना डेटा को लगाना हो, ठीक है। सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरा रोल नंबर डिसेंडिंग से हो तो मैं क्या यूज़ करूँगी, डी ई एस, ए एस सी लिखा, ए एस सी क्या रहेगा, असेंडिंग। और यदि मैं ऑर्डर बाय नहीं लगाती हूँ, ऑर्डर बाय रोल नंबर खाली लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है, और यदि मुझे डिसेंडिंग में चाहिए तो मैं क्या लिखूँगी, डी ई एस सी। ओके, तो सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम एस डिटेल्स, ऑर्डर बाय रोल नंबर, रोल नंबर मेरा कैसा है, डिसेंडिंग में है, तो कैसे आ जाएगा, डी ई एस सी लिखूंगी तो सारा रोल नंबर डिसेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट? सेलेक्ट कमांड में किसी को डाउट? ओके, मैक को समझ में आ गया। एनी डाउट, एनी डाउट रिगार्डिंग सेलेक्ट कमांड? नो डाउट, ठीक है। तो ये सेलेक्ट कमांड होमवर्क है भाई, यहाँ से जो इतनी क्वेरीज, ये जो सेशन 7 दिए क्रिएट एंड मैनेजर क्वेरीज, ये पूरा पढ़ के रखना, नेक्स्ट क्लास में मैं सेलेक्ट कमांड ये सब इसका सबसे पूछूंगी, सेलेक्ट एस्ट्रेस फॉर बेस्ट डिटेल्स, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। बाकी इंसर्ट अपडेट वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एनी डाउट? ओके, जिसको डाउट नहीं है भाई नो लिख दो, और जिसको डाउट है वो मुझे बताना, एक्सप्लेन करूँगी। नो, नेक्स्ट क्लास में सब 3 बार कॉल करूँगी, यदि 3 बार में आप लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया, यदि नेटवर्क प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो फ़ोन अपना हटा के बात करो म्यूट से, ठीक है। यदि 3 बार मैंने दिया तो मैं इसमें से मीटिंग से रिमूव कर दूंगी।